हाय गाइस, तो अभी मैं हूँ बस स्टैंड में, जहाँ से मेरी बस का बोर्डिंग है। मेरा बस स्टैंड में हूँ मैं और मेरे सारे प्लान्स के लग चुके हैं, बिल्कुल भी कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं जा रहा है। 30 किलोमीटर और दूर है बस, पहुँचने के लगभग आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये भैया लोग मिल गए। क्या नाम है भैया आपका? अफजल भैया। और आप? अरविंद भैया। ये दोनों भैया मिल गए रास्ते में। मुझे बस का मुझे बहुत टेंशन था, किस्मत से दोनों भैया मिल गए जिन्होंने मुझे एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर रहे हैं मेरे घर से। तो सही है, पहुँच के मिलते हैं आप लोगों से। आई हैव रीच्ड एयरपोर्ट। See the line, there's a huge line. I just reached airport. It's 9 AM. I have reached airport exactly 9. Finally everything is sorted. सब हो गया, boarding वगैरह सब हो गया। मैं बैठ गया, ये मेरे लगेज है, लगेज बस सब करके मैं बैठा हूँ। काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल है आज का। मुझे वहाँ बॉम्बे पहुँच के अपने पार्सल्स भी रिसीव करने हैं। अभी उन्हीं से बात कर रहा था मैं, अमेज़न डिलीवरी वालों से। उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि 4 से 5 के बीच में मुझे दे दे। तो अभी देखे क्या होता है। वो पार्सल लेना ज़रूरी है, उसी में मेरा ट्राईपॉड है, माइक है। अगर वो आएगा तो ही मैं ठीक से व्लॉग बना पाऊँगा, वरना व्लॉग नहीं बना पाऊँगा। तो वही है कहानी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मेरी फ़्लाइट 12 बजे की है और अभी शायद अभी हो रहा है 9:30, 10 बज रहा है अभी। और फ्लाइट है मेरी 12 बजे की। तो तब तक देखिए बैठा हूँ, अभी भूख नहीं लगी है। मम्मी ने पैक करके तो दिया है बहुत कुछ खाने को, अभी भूख नहीं लगी है। तो देखते हैं जब भूख लगेगी तो खाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। These seats are empty right now, but as you can see, every seat has 3 people. It means there is no social distancing here. Even where I am sitting, we are 3 people here. There are 2 passengers with me in the same seat. So there is no social distancing here. But yeah, the middle one has been provided as cow. Only the middle one. This is Bombay Airport and we are out. जितने भी लोग आगे दिख रहे हैं सब मेरे लिए उसके हैं और मैं भी उसी प्लेन से, हम सब की फ्लाइट से बोर्डिंग की है। एंड लेट्स गो, लेट्स सी व्हाट बॉम्बे हैज़ टू ऑफर। एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी फर्स्ट व्हाट गोवा हैज़ टू ऑफर, बट लेट्स सी फॉर द सेक ऑफ इट एंड लेट्स गो फ्रॉम हियर फॉर द सेक ऑफ इट। व्हाई टू वर्क, चल के क्या करना, जितना हो सके ये करो, आराम से चलो। और ये देखिए कॉन्स्पेशल स्लो मोशन में दिखता है जो फ्लाइट से मैं करूँ। हो गया स्लो मोशन बहुत। हाय गाइस, तो अभी मैं हूँ बस स्टैंड में, जहाँ से मेरी बस का बोर्डिंग है। मेरा बस स्टैंड में हूँ मैं और मेरे सारे प्लान्स के लग चुके हैं, बिल्कुल भी कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं जा रहा है। मेरे अमेज़न की डिलीवरी थी वो डिले हो चुकी है, जो मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं ले पाऊँगा। जिसमें मेरा ट्राइपॉड था, मेरा एक्सटर्नल माइक था और वाटरप्रूफ कवर था। तो तीनों की तीनों चीज़ की डिलीवरी डिले हो चुकी है, मतलब मैं नहीं ले पाऊँगा। उस डिलीवरी के चक्कर में मैं 3 घंटे पहले पहुँचा हुआ था। आराम से मैं अपना बैठा रहता उसमें मुंबई के एयरपोर्ट पर बिना मतलब गर्मी में धूप में यहाँ पहुँचा और फाइनली मुझे नहीं मिला बस। मुझे नहीं मिला मेरा प्रोडक्ट। अभी बस को भी अभी भी 1 घंटा बाकी है, बस 5:45 में आएगा और अभी रात 4:45 बज रहा है, अभी भी 1 घंटा से ज़्यादा बस को बाकी है। और आपको मैं क्या बताऊँ, अभी मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मैं यहाँ पहुँचा, मास्क मेरा ऐसे उतरा हुआ था क्योंकि मेरे को बहुत पसीना आ रहा था, तो मैंने मास्क खोला, पसीना छुपाया, 2-5 मिनट बैठा। उतने में अचानक से कोई आया, 2 बंदे आए, कहते हैं मैं इसका हूँ उसका हूँ, आपको लेके चले के थाने, आपने मास्क नहीं लगा रखा, ये वो पैसे दीजिए, 1200 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये करने लग गए। मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं था कि मैं कुछ माथा लगाऊँ उनसे, तो लास्ट में मुझे उनको 400 रुपये देने पड़े। 400 रुपये मुझे उनको देने पड़े और वो कुछ भी पर्ची वर्ची कुछ नहीं काटी उन्होंने। उन्होंने कहा कि चुपचाप बैठ जाइए वरना आपको लेके चले जाएंगे थाने, जस्ट 5 मिनट मास्क लगाने के चक्कर में। ऐसा हो रखा है मेरा अभी यहाँ हाल, कुछ भी इसका प्लान के अकॉर्डिंग जा नहीं रहा, प्लस यहाँ ये मास्क के चक्कर में 400 रुपये का चूना और लग गया। तो अभी देखते हैं, ये तो अमेज़ॉन का ऑर्डर तो कुछ आएगा नहीं, बस आती है कि पूरी दर्द हो रही है मेरी। ऐसे मैं अजीब से बस स्टैंड का बस स्टैंड भी नहीं है क्योंकि मैं जहाँ एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ से शुरू होती है बस वहाँ जाने का 30-40 किलोमीटर दूर है वो, तो मैंने सोचा कि वहाँ से उधर जो नियरेस्ट बस स्टैंड है। तो काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हो चुके हैं अभी तक तो, और अभी तक ट्रिप शुरू ही नहीं हुई है, पता नहीं आगे क्या होगा। सुबह जो इतना अच्छा किस्मत था तो सारा बेकार हो गया। अभी सुबह इतना बढ़िया बस मिल गया आपको, इतना बढ़िया कार मिल गया, अभी कुछ भी नहीं है। गर्मी में मास्क लगा के पूरी टाइम बैठे रहना पड़ा कि फिर से पैसे देने की हिम्मत है नहीं। देखिए आगे क्या होता है, लेट्स सी, बस आते हैं तो वहाँ से करता हूँ। वेल दिस इज माय बस, आई गेस लेट्स आस्क गोवा वाला ना 3240 J15 है मेरा। कौन सा है भैया? So this is my bus. Now I have to find my seat. J50. Here. The bus is quite good यार, हवा वगैरह अच्छा है। यही वाला है क्या भैया? फाइनली बस में आ चुके हैं, ये है मेरी बस। बस का माहौल तो मस्त है, एसी बढ़िया चल रहा है, मस्त एसी चल रहा है लिटरली। और अभी जो है मैं पहले थोड़ा सेटल हो जाता हूँ, फिर बात करते हैं। साढ़े 8 बज चुके हैं और अपन पटेल वगैरह सब क्रॉस कर चुके हैं, अच्छी स्पीड जा रहे हैं। VRL ट्रैवल्स जा रहे हैं हम लोग, स्पीकर वाले। रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे इसके रेड बस पे, तो मैंने ये बुक कराया। देखिए कितना बजे सुबह पहुँचते, उस पर भी टाइम पे ही पहुँचेंगे। स्पीड अच्छी है, रास्ता भी ऐसे कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा गाइस, पहुँच चुके हैं हम गोवा। पर लग कुछ अलग नहीं रहा, क्यों? कुछ अलग इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अभी तक हम गोवा के आउटस्कर्ट्स में ही हैं। अभी गोवा इन नहीं किया हमने, मतलब गोवा में ही है, गोवा के बाहर है, शहर से बाहर है, जिसे देहात कहते हैं हमारे बिहार में, हम उधर हैं। बस वही है, यहाँ पर कंट्री साइड बोलते हैं, हमारे बिहार में देहात बोलते हैं। एक के बाद छः और का है, तो बस वहाँ पे है। ये मेरी बस, ये वाली मेरी बस थी VRL ट्रैवल्स की। बस बहुत सही थी, इतना मस्त सो के आए, यहाँ पर कोई तकलीफ़ हमका हुई नहीं। अभी का हल्का हल्का पानी गिर रहा है, हल्का हल्का पानी गिर रहा है, पानी से बचेंगे, जाएंगे अंदर। ब्लॉग को एंड करने के लिए निकल आए कि भैया ये ब्लॉग में तो बस इतना ही था, इतना आप देख लिया उतना ही काफ़ी था। अब आप हमको देख लिए कैसे हम स्ट्रगल करके पहुँचे हैं यहाँ पे। स्ट्रगल हमारा अनन्या पांडे से भी रियल वाला था, आप देख ही लिए। तो बस अब आगे देखिए कि मज़ा कैसे करेंगे, कैसे हम मचाएंगे। ये बहुत ज़्यादा हो गया, बनता है MAY मचाएंगे को कुछ ज़्यादा ही फैला दिया क्या? तो ठीक है, इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस व्लॉग को पसंद किया हो तो लाइक कर देना, नहीं किया हो तो भी लाइक कर देना यार। नया हूँ, पहली बार बना रहा हूँ, फर्स्ट व्लॉग है मेरा, है ना? तो फर्स्ट व्लॉग है, सपोर्ट करो यार, लाइक करो, शेयर करो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, मेरे सभी दोस्तों को शेयर करो। और नहीं तो मेरा मजाक बनाने के लिए शेयर करो यार कि देखो क्या चूतिया है, ब्लॉग कैमरा उठा के ब्लॉगिंग कर रहा है ना। और कमेंट ज़रूर करना क्या आपको अच्छा लगा क्या नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट करना हाँ, कि क्या इम्प्रूव हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बस इतना कर दो, काफ़ी है। माता रानी पाप नहीं चढ़ाएगी और अल्लाह के मेहरबानी रहेगी, है ना। साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आप गोवा में।